फॉर्म हाउस पर अगर हम 10 मजदूर या 20 मजदूरों के साथ मशीन के द्वारा खेती करते हैं और उससे उत्पादित हम 100 या 200 लोगों का पेट भर सकते हैं, तो उद्योग के लिए कम स्थान, उसका लगभग आधा भाग में 10 उद्योग लगाया जा सकता है, यानी स्थान की पर्याप्त कमी और इसमें कृषि की तरह विशेष स्वरूप का स्पष्टीकरण भी नहीं होता है, यह एक बंद घरों में हो जाता है और आवाज़ें भी बहुत कम निकलती हैं और हजारों लोगों को, श्रमिकों को उसमें रोजगार दिया जा सकता है। इससे 500 परिवारों का भरण पोषण हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि उद्योग का स्थानीयकरण, उद्योग में उत्पादन लागत को कम करना, वह जहाँ भी संभव है वहाँ उद्योग का स्थानीयकरण, उसका लोकलाइजेशन होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में, बड़े पैमाने के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे, अब इसमें दूसरा, ये तो हुआ स्थानीयकरण, दूसरा हुआ बाजार की अभिगम्यता। बाजार की अभिगम्यता से मेरा सीधा है कि बाजार में कच्चे माल को उपलब्धता होती है और निर्मित सामान को स्थानीय स्तर पर खरीदा जाना होता है। जहाँ ये बाजार उपलब्ध होते हैं वहीं उद्योग की स्थापना की जाती है। आपको पता होगा कि उत्तरी अमेरिका या यूरोप, जापान, ये बड़े बाजार के रूप में विकसित हैं, जहाँ खरीदने वाले और कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले दोनों ही उपलब्ध होते हैं। तो उदाहरण भी आपको देना चाहिए, वह उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, या ऑस्ट्रेलिया है, या जापान है, जो एक बहुत बड़े बाजार के रूप में है। यहाँ खरीदने वाले की क्रय शक्ति ज़्यादा होती है, वह अधिक से अधिक सामान खरीद सकते हैं। दूसरा है कच्चे माल की उपलब्धता, अभिगम्यता। कच्चे माल, आपको पता है कि दो तरह के होते हैं, एक वह जो फुट अपने वजन को, वेट लूज करता है, तो वेट लूज करने वाले जो भी उद्योग हैं, चाहे वह कृषि आधारित हो, गन्ने से चीनी बनाने वाला, या लो इस्पात उद्योग हो, जो आयरन और अयस्क, लो अयस्क को इस्पात में बदल देता है, तो ये उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल के क्षेत्र में किया जाता है, ताकि इसका उत्पाद को कम लागत पर, परिवहन लागत कम करके उत्पादित किया जा सकता है। ये वेट लूज कहलाता है और इसका स्थानीयकरण कच्चे माल जहाँ उपलब्ध होते हैं वहीं स्थापित किए जाते हैं। लेकिन कुछ हल्के कच्चे माल होते हैं जो कहीं भी ले आया जा सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट पुर्जे होते हैं, वह कच्चे माल के उपलब्धता से बाहर जहाँ डिमांड होते हैं वहाँ स्थापित किए जा सकते हैं। तो ये है अभिगम्यता, कच्चे माल की उपलब्धता या अभिगम्यता। तीसरा है श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। आप सभी जानते हैं कि आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योग में स्किल्ड लेबर, वह भी प्रोफेशनल, व्यावसायिक और प्रोडक्शन से संबंधित, जो वास्तविक, जिसको हम ब्लू कॉलर, नीले कॉलर वाले श्रमिक कहते हैं, ये सारे स्पेशलाइज्ड होते हैं, विशिष्टीकृत होते हैं श्रमिक,
जहाँ स्किल्ड लेबर सस्ते उपलब्ध होते हैं वहाँ उद्योगों की स्थापना आसानी से किए जा सकते हैं। इसके बाद आता है शक्ति के साधनों की अभिगम्यता। अभिगम्यता का मतलब उपलब्धता, आसानी से उपलब्ध। हम सभी को पता है कि कच्चे माल की उपलब्धता निश्चित तौर पर शक्ति के साधन की उपलब्धता पर भी कुछ उद्योग आधारित हैं, जैसे एल्युमिनियम उद्योग। ये बॉक्साइट से एल्युमिनियम को निकालता है, इसमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहले के समय में कोयले पर आधारित उद्योग होता था, लेकिन आज पेट्रोकेमिकल्स आने के बाद डीजल और पेट्रोल से चलने वाली थर्मल पावर से बिजली की आपूर्ति जहां निरंतर और सुव्यवस्थित तरीके से उपलब्ध होता है, वहां ये यंत्र अच्छी तरीके से कार्यरत कार्यशील हो सकता है। इसीलिए आधुनिक समय में उद्योग की स्थापना में शक्ति ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। इसके बाद परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता। बाजार से बाजार तक पहुंचने के लिए अच्छे परिवहन साधन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन और विदेशों तक पहुंचाने के लिए समुद्री पत्तनों की आवश्यकता होती है। जहां ये चार प्रकार के परिवहन तंत्र डेवलप हैं, उद्योग की स्थापना उसी क्षेत्र में किए जा सकते हैं। इसके बाद आता है सरकारी नीति। मैंने हमेशा से बताया है कि सरकार तीन तरह से कार्य करती है। पहला, जो इस देश में साम्यवादी व्यवस्था है वहाँ कम्युनिस्ट सरकार स्वयं ही उद्योगों की स्थापना करके वहाँ अपने देश और दुनिया के लिए वस्तुएँ उत्पादित करती है, जैसे चाइना। इसी तरीके से जो पूंजीवादी देश, वह देश निजीकरण को प्रोत्साहित करता है और वह प्राइवेट व्यक्तिगत उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करता है, उसे सुविधाएं उपलब्ध कराता है, उसे टेक्नोलॉजी विदेशों से लाकर उपलब्ध कराता है और फिर प्रोडक्शन कराता है। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है, जहां कुछ उद्योग सरकार के अधीन होते हैं, कुछ उद्योग पूंजीपतियों के पास या उद्योगपतियों के पास होते हैं। तो ये भारत जैसे देशों में इनकी सुविधाएं सरकार और उद्योगपति कैसे कर सकते हैं, इस पर नीतियां बनाने का काम सरकार करती है। अब है पांचवा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है समूहन, उद्योगों का एंग्लोमरेशन ऑफ द इंडस्ट्री। ये एक चेन होता है, उद्योगों के समूह जहाँ होते हैं वहाँ बिजली की आपूर्ति हो, बैंकिंग फैसिलिटी हो, इंश्योरेंस की व्यवस्था हो, ये सब सभी को सस्ते और निरंतर उपलब्ध कराने की दृष्टि से उनके लागत को कम कर देता है। तो लागत को कम करने के लिए उद्योगों का समूहीकरण, औद्योगिक प्रदेश का निर्धारण किया जाता है।